As usual, I started my day with the coconut water at 6 o'clock. ये काफी मलाई वाला था, आप देख सकते हैं इसमें काफी मलाई है, तो पानी बहुत ही कम निकला. कोकोनट वाटर काफी कम था तो मैंने रात को आंवले भिगो के रखे थे, तो मैंने 6:30 बजे आंवले वाला पानी पिया. ये आंवला भिगा हुआ है रात भर का, तो 6:30 बजे मैंने आंवले वाला पानी पिया. 7 पीस पर मैंने 1 कप चाय ली और उसके साथ थोड़े स्मोक्ड एलमंड्स और पिस्ता खाए. आज फिर ऑफिस बॉय ने नीम का पानी बना दिया था, तो अभी मैंने 9 बजे 1 ग्लास नीम का पानी लिया. आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था. ऑफिस आते ही मुझे फिर गाड़ी सर्विसिंग के लिए देनी थी, क्योंकि गाड़ी का कूलेंट लीक हो रहा था, तो अभी मैं गाड़ी सर्विसिंग दे के आई हूँ. तो अभी बज रहे हैं 10:40, तो मैं एक चाय ले रही हूँ और इसके साथ सील का लड्डू खाऊंगी. आज बहुत हेडेक हो रहा है, लास्ट फास्ट है और थोड़ा हेक्टिक डे था, तो अभी मैंने एक कॉफी लिया है. अभी 11:40 हो रहा है, तो आई एम टेकिंग 1 कॉफी. 1 बजे मैंने लंच में खीरा और टमाटर का एक सैलड लिया. लंच के बाद मैंने थोड़े से भीगे हुए बादाम और किशमिश खाए. 3 बजे मैंने एक ब्लैक कॉफी ली. आज लास्ट फास्ट है तो तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, तो मैंने फिर से 4 बजे एक चाय ली और साथ में थोड़े से सील के लड्डू खाए. ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी, 6 बज गए अभी तक गाड़ी सर्विस नहीं हुई है. तो मैं सुबह से कुछ मतलब ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे व्रत का सामान बहुत अच्छा मिल जाता है उन स्वीट्स में और बहुत हाइजीनिक भी होता है. तो अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं डिनर होम स्वीट्स में ही करूँगी, तब तक मेरी गाड़ी भी सर्विस हो जाएगी. तो अभी मैं होम स्वीट्स जा रही हूँ कुछ खाने के लिए. होम स्वीट्स में तो कुछ खास मिला नहीं, बहुत हैवी अभी मील से. तो मैं कलेवा में आई हूँ, सेक्टर 14 में, तो इनका ये स्पेशल मेन्यू है. तो ये नवरात्रि स्पेशल तो मैंने अभी कुछ ऑर्डर किया है. जब तक गाड़ी सर्विसिंग नहीं होती तो मैं यहाँ बैठ के कुछ खाऊंगी. तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है साबूदाना की टिक्की. तो मैंने अपने लिए साबूदाना की टिक्की ऑर्डर किया है. जब तक गाड़ी नहीं मिलती तब तक टाइम तो पास करना है, और भूख भी लग रही है. 7:30 हो गया और मैं अभी तक जाम में फंसी हुई हूँ. ये गाड़ियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हैं, क्या करूँ. 8 बजने वाले हैं, अभी तक मैं जाम में फंसी हुई हूँ, कब घर पहुँचूँगी. बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है, कोई गाड़ी नहीं हिल रही. बज गए और मैं अभी तक जाम में फंसी हुई हूँ. देखिए गलिया बिल्कुल सेम से, गाड़ी बिल्कुल नहीं हिल रही. फाइनली मैं 8:05 पे घर पहुंची और ये दोनों बेचारे मेरी वेट कर रहे थे. तो पहले मैं इनको कुछ खाने को दूंगी, फिर अपने लिए सोचूंगी.